उत्तराखंड के जोशीमठ में खतरनाक करार दिए भवनों को तोड़ने का काम शुरू हो गया और शुरुआत है सबसे पहले होटल मलारी इन से, जो एक बड़ा होटल है, बहुमंजिला होटल है। इसे अब तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये काम दरअसल मंगलवार को होना था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के वजह से ये काम नहीं हो पाया। होटल मलारी इन अपने बगल के दूसरे होटल माउंट व्यू के ऊपर झुक गया। ये दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं क्योंकि इनके नीचे की ज़मीन जो है वो खिसक गई है और इस कारण इन होटलों को तोड़ना जो है वो ज़रूरी हो गया है। इसे हाथ से तोड़ा जाएगा, बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इन होटलों के नीचे और भी कई रिहायशी इलाके हैं, कई घर हैं, उनको नुकसान न पहुंचे, इसलिए एक एक कर ऊपर की मंजिल से इस होटल को तोड़ने का काम अब शुरू हुआ है। जब इसके मालिक ठाकुर सिंह राणा की सरकार से शायद बातचीत में कुछ सहमति बन गई है। ठाकुर सिंह राणा लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जोशीमठ में ही है। सौरभ, क्या इस वक्त अब कार्रवाई शुरू हुई है? क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई, जैसे आपने बताया, ठाकुर सिंह राणा तैयार हो गए, उनका परिवार तैयार हो गया जो धरने पर बैठा था मंगलवार से। इसीलिए जब जो ध्वस्तीकरण की या डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पूरा होटल खाली हो गया है। आपको क्रेन नजर आएगी, आपको प्रशासन के लोग नजर आएंगे, आपको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें नजर आएंगी जो कि यहाँ पर मौके पर पहुंच गई हैं और मैनुअली इसको तोड़ा जाना शुरू कर दिया है। कटर्स लाए गए हैं जिससे कि जो ग्रिल्स हैं, जो दीवारों के आसपास लोहे का सामान है, उनको काटा जा सके, जिससे धीरे धीरे पहले सबसे जो ऊपर का माला है उसको तोड़ा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे ला करके जो तोड़ने का काम है एक एक करके चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और ये जो पूरा डिसमेंटलिंग का प्रोसेस है उसे सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं वो सुपरवाइज करेंगे। तो पूरा आपको नजर आएगा यहाँ पर मलारी इन और माउंट व्यू होटल, दोनों होटल जैसा आपने बताया सुशील, एक दूसरे के ऊपर आके टिक गए हैं। जो मलारी इन की का जो होटल है उसका बिल्कुल आके झुक गया है माउंट व्यू होटल के ऊपर। तो अब पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये रास्ता है जो बद्रीनाथ की तरफ जाता है तो उसको भी पीछे से डाइवर्ट कर दिया गया है। और एक बहुत राहत की बात है क्योंकि प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे, बारिश अभी हल्की फुल्की हुई थी, पहाड़ों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है और ऐसे में बारिश और बर्फ ज्यादा हुई तो जो धसकने का और जो दरार पड़ रही है, जमीन धंसने का, जो अभी तक जो जितनी धंस रही है और तेजी से धंस सकती है। आप देखिए वो देखिए आपको नजर आएगा जो बिजली के तार हैं वो काटे जा रहे हैं। जो बिजली का कनेक्शन है वो पहले से काट दिया गया था और जो पिलर्स के से कनेक्शन जो तारे जाती हैं उनको जो यहाँ जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो काट कर हटा रहे हैं और अंदर जो है वो तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इसके अलावा क्रेन भी आई है, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो क्रेन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, डबरी उठाने के लिए ट्रक भी लगा दिए गए हैं। जो ठाकुर सिंह राणा हैं वो अभी आगे ही मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जोशीमठ के हित में ये अपना जो धरना चल रहा था वो खत्म करने का आदेश लिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, अगर बिल्डिंग गिरे तो आसपास जो घर है उनको नुकसान ना हो जाए। आप देखिए जैसे यही एक होटल नीलकंठ है जो आपको नजर आएगा सुशील, ये डेंजर जोन में नहीं है लेकिन अगर ये बिल्डिंग गिरती है नीचे तो इस होटल नीलकंठ को भी खतरा हो जाता है। और इसके जो होटल है काफ़ी बड़ा होटल है, इसके पीछे भी छोटे छोटे घर हैं जिनको कि इस होटल के गिरने से खतरा पैदा हो सकता था। इसीलिए प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा था, 2 दिन से के समझाने मनाने के बाद ये ठाकुर सिंह राणा मान गए हैं। इनके परिवार के लोग जो धरने पर लगातार बैठे थे वो वहाँ से हट गए हैं और अब ये डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आपको नजर आएंगी, हेलमेट लगा करके यहाँ पर हैं। यहाँ पर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि जो डिसमेंटलिंग का पूरा काम है उसको अच्छे से सुपरवाइज कराया जा सके, पूरा वैज्ञानिक तरीके से तोड़ा जा सके ताकि जो आसपास के जो घर हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर नहीं चलने वाला है और इस दोनों होटलों को ऐसे तोड़ा जाएगा सुशील जिससे कि जो आसपास की इमारतें हैं उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उन पर कोई जो है मलबा ना गिर जाए जिससे उनकी छत या खिड़की दीवारों को नुकसान हो, उनकी नींव को नुकसान हो। फिर हम ये बोल रहे हैं, हमारे ये कैमरा पर्सन आपको मुड़ के दिखाएंगे, पहाड़ पे देखिए वो बर्फ़ सुबह ही पड़ी है जो आपको नज़र आएगा, हम जूम करके दिखाएंगे। ये जो पहाड़ है ऊपर ओली की तरफ है, जो कल रात में यहाँ पर बर्फबारी हुई है, रात में यहाँ बारिश भी हुई और अभी भी यहाँ पर जो है बादल पहुँचे हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। तो मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी पहाड़ों पे शुरू हो गई है। ऐसे में प्रशासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू और ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग का काम है वो खत्म किया जा सके। अब तक देखिए 431 घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है, सुशील डिसमेंटलिंग माफ कीजिएगा जहाँ दरारें हैं। अभी तक जिनको तोड़ा जाने के लिए आदेश दिए गए, जिनको डिसमेंटल करे जाने हैं, उनमें 2 होटल हैं जो सिर्फ अभी तक इनको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं कि सारे जो 731 घर हैं उनको तोड़ा जाएगा, उनको डिसमेंटल किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा प्रशासन का फिलहाल कहना है। तो वो लोग इन 2 होटलों को पहले डिसमेंटल करेंगे और फिर देखेंगे कि जो रेड जोन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दरारें बढ़ गई हैं उनको तोड़ा जाना है कि नहीं तोड़ा जाना है। अब तक 140 से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। होटलों में, नगर पालिका में एक जो शरणार्थी शिविर बनाए गए, राहत शिविर बनाए गए, वहाँ पर गुरुद्वारों में भेजा गया है। और अब जो सबसे बड़ी चिंता के विषय बने हुए थे जो दोनों होटल हैं, उनको भी तोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये जो तोड़े जा रहे हैं दोनों होटल, इनमें जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैनुअली जो मजदूर हैं वो अपने हाथ से छेनी, हथौड़ी, कटर, इन सब जो उपकरण हैं उनसे इन दोनों होटलों को गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और जो CBRI के साइंटिस्ट हैं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि इन दोनों होटलों को गिराए जाने में लगभग 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। तो यानी आज शुरू होकर तुरंत खत्म नहीं होने वाला है, 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। और ये धीरे धीरे किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि तोड़ने से ज़्यादा आवाज़ ना हो, वाइब कंपन ना हो, जिससे कि भूधसाव और हो जाए। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से ये पूरी डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खुद जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं, आपको CO मौके पर नजर आएंगे। बिल्कुल मीडिया को भी रोक दिया गया है, ये बांस बल्ली लगा करके बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को। NDRF, SDRF की टीमें मौके पर आपको नजर ही आ रही हैं। तो ये बहुत राहत की बात है जोशीमठ वालों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि ये दोनों होटलों को डिसमेंटल किया जा रहा है, ताकि जो उनके गिरने का खतरा बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ना रहे। तो जोशीमठ के लोगों को राहत तो कहाँ आएगी, मौसम और ज़्यादा ख़राब हो रहा है और 731 घरों पर अब तक दरारें आ चुकी हैं, लेकिन जो बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं भवन, उन्हें गिराया जाना ज़रूरी है। आप खुद सोचिए, ज़िंदगी भर की मेहनत से बनाए गए भवन कैसे आपके सामने जब टूटेंगे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये अवैध निर्माण इस पूरे इलाके में होने दिया कि ज़मीन धंसने लगी, और जो निर्माण हुआ क्या वैज्ञानिक तरीके से हुआ आसपास, उसका नतीजा आप सब मिलकर भुगत रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का।